Punjabi whiteboard presence. Hoda ate kanoda di matra. प्यारे बच्चों सत श्री अकाल, पंजाबी वाइट बोर्ड चैनल ते तुहाडा स्वागत है। इस वीडियो राही असी पंजाबी दियां दो लगां होड़ा ते कनौड़ा इस बारे जानकारी प्राप्त करांगे। इस तो पहला वीडियो दे विच असी पंजाबी वर्णमाला ते पंजाबी दियां अठ मात्रावां मुक्ता कन्ना सिहारी बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ ते लां दुलां बारे जानकारी प्राप्त कर चुके हाँ। अगर उन्हां मात्रावां दी वीडियो देखनी है तां इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच ते कमेंट बॉक्स दे विच तुहानूं उन्हां वीडियो दे लिंक है जिहड़े मिल जाणगे। प्यारे बच्चों पंजाबी दे विच कुल 10 मात्रावां हन। उन्हां मात्रावां दे नाम आवाज़ ते उन्हां दे चिन्ह निशानियां इस प्रकार हन। सब तो पहली मात्रा का नाम मुक्ता ऐसी आवाज़ दिंदी है, इसका कोई चिन्ह नहीं हुंदा। पंजाबी दे जिन्ने भी व्यंजन हैं ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ये तीन स्वर हैं, इन्हों छड़ के बाकी अक्षर व्यंजन हैं तो हरेक दे विच मुक्ता की मात्रा शामिल हुंदी है, ऐसी आवाज़ शामिल हुंदी है। दूसरी मात्रा कन्ना आदि आवाज़ दिंदी है, इसकी निशानी है जिहड़ी ओ जिहड़ी है एक डंडा ते ए मात्रा अक्षर दे पिछे लगती है, आदि आवाज़ दिंदी है। तीसरी मात्रा सिहारी आवाज़ दिंदी है ई ते इस दी निशानी एक डंडा ते गुलाईदार मात्रा, ए मात्रा अक्षर दे अगे लगती है। चौथी मात्रा बिहारी ए आवाज़ दिंदी है ई दी, इस दी निशानी है डंडा ते मात्रा सिहारी वर्गी हुंदी है पर यह अक्षर दे पिछे लगती है। सिहारी जिथे अक्षर दे अगे लगती है उत्थे बिहारी दी मात्रा अक्षर दे पिछे लगती है। सिहारी आवाज़ दिंदी है ई, बिहारी ई। सिहारी नूं छोटी मात्रा गिणा जांदा है, बिहारी नूं वड्डी मात्रा गिणा जांदा है क्योंकि उस नूं बोलण वेले समां वध लगता है। उस तो अगली मात्रा औंकड़ आवाज़ दिंदी है ऊ, एक छोटी जी चाप जिहड़ी कि अक्षर दे हेठां लगती है। छेवीं मात्रा दुलैंकड़ आवाज़ दिंदी है ऊ दी, मात्रावां एक दी बजाए दो हो जांदियां हन जिहड़ियां कि अक्षर दे हेठां लगदियां हन। औंकड़ ऊ, दुलैंकड़ ऊ। औंकड़ छोटी मात्रा, दुलैंकड़ वड्डी मात्रा। औंकड़ दे विच एक मात्रा दा प्रयोग हुंदा है ते दुलैंकड़ दे विच दो मात्रावां दा प्रयोग हुंदा है। ये मात्रावां दोनों ही अक्षर दे पैर विच जानी हेठां लगदियां हन। उस तो अगली मात्रा दा नाम है लां, आवाज़ दिंदी है ए दी, इस दी निशानी ए, ए मात्रा अक्षर दे उपर लगदी है। अगली मात्रा दा नाम दुलावां, लां एक मात्रा, दुलावां मीन दो, लावां दो मात्रावां, इस तरह ए निशानी है इस दी, ए आवाज़ दिंदी है ऐ दी, ए ऐ ते इस दी निशानी दो मात्रावां जिहड़ियां कि अक्षर दे उपर लगदियां हन। नौवीं मात्रा ओ, इस दी आवाज़ हुंदी है ओ, ओ लिखना होवे तां असीं ऊड़े नूं उपरों खुला कर देंगे। अगर असीं ऊड़ा लिखना है तां फिर उस नूं बंद रखना है, पर जेकर उस ऊड़े नूं असीं खुला रख देवांगे तां ओ बन जांदा है ओ। तो इस दी निशानी इह मात्रा ते यानी कि उपर नूं हेठां नूं आओ फिर साइड ते चले जाओ फिर नीचे नूं आओ तां इह बन जांदी है होड़ा दी मात्रा, ओ दी आवाज़ दिंदी है अक्षर दे उपर लगदी है। अगली मात्रा दसवीं मात्रा दा नाम है कनौड़ा, ए आवाज़ दिंदी है आओ, ओ आओ, तां ए मात्रा भी अक्षर दे उपर लगदी है, ए इस दी निशानी है। इस तरह जिवें होड़ा दी मात्रा पाई सी सेम, बस फिर एक इस दे विच एक डंडा वध लग जांदा है, ए मात्रा दा प्रयोग भी अक्षर दे उपर ही हुंदा है। ये सीगियां पंजाबी दियां 10 मात्रावां ते उन्हां दी आवाज़ ते चिन्ह। पंजाबी दे विच बच्चो तीन स्वर हन, ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी, पहले तीन अक्षर ने जिहड़े इन्हां नूं स्वर कहा जांदा है। इन्हां तीन स्वरां तो ही पंजाबी दियां 10 स्वर धुनियां बनदियां हन।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਐ, ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਲਈ ਈ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਈ ਈ, ਔਂਕੜ ਲਈ ਊ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਲਈ ਊ, ਲਾਂ ਲਈ ਏ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਈ ਐ, ਹੋੜਾ ਲਈ ਓ, ਉੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਓ, ਅਤੇ ਕਨੌੜਾ ਲਈ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਹੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਧੁਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓ, ਉੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਨੌੜੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਓ, ਓ ਆਓ। ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਸਾ, ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੋੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੋ, ਹਾਹਾ ਹੋੜਾ ਹੋ, ਕੱਕਾ ਹੋੜਾ ਕੋ, ਦੱਦਾ ਹੋੜਾ ਦੋ, ਬੱਬਾ ਹੋੜਾ ਬੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਰਾ ਹੋੜਾ ਰੋ, ਲੱਲਾ ਹੋੜਾ ਲੋ, ਟੈਂਕਾ ਹੋੜਾ ਟੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋੜਾਂ ਦੀ ਲਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਮਾਤਰਾ ਹੋੜਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋਤਾ, ਢੱਡਾ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਲੱਲਾ ਢੋਲ, ਮੰਮਾ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਰਾਰਾ ਮੋਰ। ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟੈਂਕਾ ਹੋੜਾ, ਕੱਕਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਟੋਕਰੀ, ਸੱਸਾ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸਮੋਸਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਤੱਤਾ ਲੱਲਾ ਬੋਤਲ। ਹੋੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਐੜਾ ਖੱਖਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਟੈਂਕਾ ਅਖਰੋਟ, ਖੱਖਾ ਰਾਰਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖਰਗੋਸ਼, ਸੱਸਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਾਵਾ ਰਾਰਾ ਸਰੋਵਰ। ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਰੀ ਹੈ ਕਨੌੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ। ਹੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਆਓ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸਦੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਔ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਸਾ ਕਨੌੜਾ ਸਾਓ, ਜੇ ਹੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਓ, ਹਾਹਾ ਹੋ ਕਨੌੜਾ ਹਾਓ, ਕੱਕਾ ਕਨੌੜਾ ਕਾਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਕਨੌੜਾ ਦਓ, ਬੱਬਾ ਕਨੌੜਾ ਬਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਕਨੌੜਾ ਸੌ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬਾ ਕਨੌੜਾ ਬਹੁ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੋ ਬਹੁ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਨੇ ਦੀ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੌੜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾਉੜੀ, ਫੱਫੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫੌਜ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਔਲਾ। ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ
जिस विच कि कनौड़ा की मात्रा शामिल है। ऐड़ा ऐड़े नू कनौड़ा, रारा तत्ता औरत, हाहा थत्थे नू कनौड़े की मात्रा, अड़ाड़े नू कन्ना, हथौड़ा तत्ते नू कनौड़ा, लल्ले नू बिहारी, ऐड़े नू कन्ना, तौ लिया तौ 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 लिया। चार अक्षरां दा शब्द जोड़ जिस विच कि कनौड़ा की मात्रा है। चचे नू कनौड़े की मात्रा उपर, कक्के नू बिहारी, दद्दे नू कन्ना, रारा चौकीदार, पप्पा सस्सा, तत्ते नू कनौड़ी की मात्रा, लल्ला पस्तौल, हाहे नू कनौड़ा, लल्ला दद्दे नू कन्ना, रारा हौलदार हौलदार। आओ हुण असीं दोनों मात्रावां होड़ा ते कनौड़ा की मात्रा की तुलना करते हाँ कि अगर सेम शब्द होण, सेम अक्षर होण, ते एक उपर होड़ा की मात्रा होवे ते दूसरे उपर कनौड़ा की होवे, तां अक्षरां दे नाल जिहड़े नवें शब्द बनते हैं कनौड़ा ते होड़ा की मात्रा नाल, उन्हां दे विच किन्ना फर्क आ जाता है। मुक्ता दे विच ऐ आवाज, होड़ा दे विच ओ, कनौड़ा दे विच औ। चचा रारा चर, चचे नू होड़ा चोर, चचे नू कनौड़ा चौर, चोर चोरी करन वाला, ते चौर लकड़ी दी डंडी नाल मड़िया होया खंभां दा जां वालां दा गुच्छा, चौर भी कह दिंदे आ जिसनू चौर चौर। इस तरह मम्मा रारा मर, मम्मे नू होड़ा रारा मोर, ते मम्मे नू कनौड़ा रारा मौर, मैं तेरे मौर भन दूँ, मौर जानी गिच्ची तो हेठला हिस्सा, गर्दन ते जेड़ा मोढ़ियां नू मिलाउंदा है हिस्सा, गर्दन ते मोढ़ियां नू मिलाउण वाला, गर्दन दा पिछला हिस्सा जेड़ा है मौर। कक्का लल्ला कल, कक्के नू होड़ा लगेगा तां कोल, कक्के नू कनौड़ा कौल, कोल कौल, कोल नेड़े पास नज़दीक, ते कौल करार जा वादा। कक्का ना ना कण, कक्के नू होड़ा कोण, एंगल दो रेखावां जिथे मिलदियां हन कोण, ते कनौड़ा ला देंगे तां कौण, एक प्रश्निक चिन्ह है, प्रश्निक शब्द है जिस नाल कि प्रश्न पूछे जाते हैं। रा रा कर, कक्के नू होड़ा कोर, कक्के नू कनौड़ा कौर, कोर किसी भी चीज़ का तिखा पासा, कोर ते कौर आम तौर पर जिहड़ा है यह नाम के पिछे यह शब्द वरत्या जाता है, जिस तरह बंदिया के नाम पिछे सिंह लगता है तो इस तरह के पिछे कौर कोर कौर। हाह लल्ला हल, हाहे नू होड़ा लग जाएगा तो होली, ते हाहे नू कनौड़ा ला देंगे तो हौली, होली एक त्यौहार, ते हौली आहिस्ता। जिस तरह के असी पिछली वीडियो दे विच देखते आ रहे हाँ कि शुद्ध पंजाबी लिखण दे कुछ नियम हन, तो कनौड़ा दी मात्रा नू लैके किहड़े नियम हन उन्हां दे बारे है एक कि जिस तरह ये तुसी शब्द लिखे देख रहे हो, अहोर सहोरा बहुत बहुटी ते मोहरा। जदों असीं इन्हां शब्दां नू बोलदे हाँ अहोर सहोरा बहुटी ते मोहरा, इन्हां दे बोलण वेले जिहड़ी कनौड़ा दी मात्रा है पहले अक्षर ते बोल रही है, पर जेकर इस तरह दे शब्द होण ते दूसरा शब्द है जिहड़ा हाहा होवे, तां फिर असीं पहले अक्षर दे उपर कनौड़ा दी मात्रा ना ला के हाहे नूं औंकड़ दी मात्रा लगा के शब्द बनावांगे। अहर ये गलत है ते ये अहर सही है। इस तरह सहुरा ये गलत है ये ठीक है, बहुत ये गलत है ये ठीक है, बहुटी इस तरह लिखना ठीक है, मोहरा इस तरह लिखना ठीक है। तो यह नियम कहना कि अगर पहले अक्षर दे उपर कनौड़ा दी मात्रा बोल रही है पर दूसरा अक्षर शब्द दा हाहा है, तो पहले अक्षर दे उपर जिहड़ी मात्रा है वो कनौड़े दी बजाए दूसरा अक्षर है जिहड़ा हाहा उत्थे औंकड़ दी मात्रा लगेगी। तो इस तरह ये नियम ने जिस तरह पंजाबी शुद्ध लिखण दे, इसकी वीडियो जल्द ही तुहानू अगली वीडियो दे विच मिल जाएगी, उत्थे असीं इस बारे विस्थार दे नाल गल करांगे। सो ये तो सीगी बच्चो पंजाबी दी मात्रा होड़ा ते कनौड़ा, इस दे नाल ही असीं
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 10 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਚੈਨਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਗਾਂ ਅੱਖਰ ਹਨ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅਧਕ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।